हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है कि गुरु रंधावा और सुरेश रैना ये दोनों पार्टी में गए थे और इन्हें अरेस्ट किया गया, बाद में ये भागे, ऐसा कुछ। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ मीडिया में चल रही है। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। गाइस, आप सबको पता है कि कोरोना काल चल रहा है और गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस है। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कि पार्टी सिर्फ 11 बजे तक ही रहनी चाहिए। तो वो जो पार्टी थी जिस पार्टी में गुरु रंधावा और सुरेश रैना गए थे, वो पार्टी 13 बजे तक चली और उसके बाद मुंबई पुलिस की वहाँ पे रेड पड़ी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने गुरु रंधावा, सुरेश रैना और बाकी सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज थे, उन सबको अरेस्ट किया। बाद में उनको जमानत पे बरी किया गया। गाइस, आप सबको बताया कि गुरु रंधावा सीधे साधे इंसान है। गुरु रंधावा ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो कभी इन पार्टी में कभी जाते भी नहीं है, वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बात है कि वो पार्टी सॉन्ग बनाते हैं लेकिन पार्टीज में वो जाते नहीं है, हम सबको पता है। और ये पहली बार हुआ है कि गुरु सर के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो गाइस, मीडिया वालों ने ये छोटी सी बात थी जिसको इतना बड़ा बना दिया ये मीडिया वालों। कुछ नहीं था, सिर्फ एक पार्टी तो की है भाई, ज्यादा कुछ तो नहीं किया है, किसी का मर्डर वर्डर तो नहीं किया ना, सिर्फ पार्टीज तो की। और इसके बारे में गुरु रंधावा ने भी बताया है कि मुझे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं था, इसलिए अगर उन्हें पता होता तो वो बिल्कुल भी नहीं जाती। मतलब ये जो मीडिया है ना, वो पूरी गुरु रंधावा के पीछे ही पड़ी है। मतलब इनको एक छोटी सी न्यूज़ मिली है ना, उसका मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ बना रहे कि बस ये हुआ, फिर उन्हें अरेस्ट किया गया, वो फिर वो भाग गए। मतलब एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना रहे, कुछ नहीं मतलब छोटी सी बात। सो गाइस, मुंबई पुलिस ने बताया था कि उन्होंने सब पार्टी क्लब में रेड की, लेकिन ये झूठ है। उन्होंने सिर्फ उसी क्लब में रेड की जिस क्लब में सेलिब्रिटीज आए थे। मुंबई पुलिस को कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो अब ये पॉपुलर सेलिब्रिटी के पीछे लग गए। सो गाइस, आप सबको अभी पता चल गया है कि सच्चाई क्या है। एक छोटी सी बात थी जिसको इतना बड़ा बनाया है मीडिया वालों ने, इतने ज़्यादा फैला रहे, मतलब क्या है। मतलब छोटी सी बात है, इतना बड़ा बनाने की क्या ज़रूरत। तो गाइस, इतना ही था, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं। और मीडिया वाले तो ऐसा बना रहे, मतलब सेलिब्रिटीज है, यूथ जो है इनको देख के ये सीखे जाता है, ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, मतलब बहुत कुछ बना रहे। ऐसा कुछ नहीं गाइस, ये पूरा का पूरा झूठ है जो मीडिया में फैलाया जा रहा है। सबको अभी पता ही चल चुका है। तो ये छोटी सी बात है, इन सब बातों की तरफ आप ध्यान मत दीजिए और अपने आर्टिस्ट गुरु रंधावा को लव एंड सपोर्ट कीजिए बहुत अच्छे से, उनके सॉन्ग सुने और उन्हें ढेर सारा प्यार दिए। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और गाइज ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।